भाई आज मैं श्राप दे रहा हूँ, जो भी मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर नहीं करेगा वो सातों जन्म सिंगल ही मरेगा। बक साले बक, यहाँ से निकल ले यहाँ से। तू साले अपनी शक्ल देख, तू पहले आईने में फिर मुझसे बात करना। मैं क्यों कर रहा हूँ तेरे को रोस्ट, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। तेरी कुछ कुछ बातों को सुन के मेरा मन बताऊँ क्या करता है। मैं रजनीगंधा खाता तो नहीं हूँ वैसे, लेकिन तेरे लिए मैं खाऊंगा, उसको चबाऊंगा और उसी रजनीगंधे को तेरे मुंह में थूक दूंगा साले। जो भी क्यूट सी लड़की मेरा वीडियो देख रही है उसको मेरी तरफ से आई लव यू, प्लीज यार मान जाओ। इसकी बात मान जाओ यार, ये बहुत भूखा है, इसकी बात मान लो कोई सबसे पहले। कहते हैं ऊपर वाला ने सभी के लिए किसी न किसी को बनाया है, लगता है मेरी वाली ने सुसाइड कर ली, साली मिल नहीं रही है। ने सुसाइड नहीं करा है पहली बात ये जान ले। दूसरी बात तुझे बताऊं, मैं बहुत मजे की है, क्योंकि जब उसे तुझे पहली बार देखा तो तेरे होंठ देख के घबरा गई वो। साले ऐसे मगरमच्छ जैसे होंठ है तेरे, इतनी गंदी शकल है तेरी। तूने अपनी शकल देखी है कभी पहले आईने में? रुक मैं दिखाता हूँ तेरे को, देख तू अपनी शकल एक बार आईने में। साले शकल देख के बात करा कर, जो बोलता है तो अच्छी बात बोला कर और शकल देख के बोला कर। भाई आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं खोज कर पाए, जब दिल में हड्डी होती नहीं तो साला टूटती कैसे है? क्योंकि उन बड़े बड़े विज्ञानों को तुझ जैसे चूतिए लोग नहीं मिले, इसलिए हड्डी नहीं मिली। साले तू मिल जाता ना तो मिल जाती हड्डी। भाई कुछ लड़कियां 300 रुपए का शॉपिंग करके भी पूरे घर में शोर मचा मचा के दिखाती है, और एक हम है कि साला 2000 का दारू पी जाते हैं और घर आके शांति से सो जाते हैं। साले तेरी शकल लग नहीं रही है, सबसे पहले तो 2000 वाली दारू पीने की औकात नहीं है तेरी। भाई जिनको भी मेरी वीडियो अच्छी ना लगती हो या मेरी वीडियो उनको पसंद ना हो, उनको पूरा हक है कि अपनी नजदीकी दीवार पे अपने मोबाइल को जोर से मार के तोड़ ले, क्योंकि यार आपकी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जैसे चूतिए लौंडे के लिए अपना फोन तोड़ दे। वाह बहुत अच्छी बात बोली तूने भाई, बहुत अच्छी बात बोली। साले ऐसे घुमा के देंगे ना, एक बार अपने आईने में अपने होंठ तो देख, तू उसे खुद ही पता जाएगा तू कितना बदसूरत आदमी है। यार आज मैंने आईने में खुद को देखा तो मुझे समझ आया यार, अब भी धरती पे कुछ मासूम लोग जिंदा है मेरे जैसा। कितना नीच बंदा है यार ये, तुम इसको देख सकते हो कैसी बातें करता है ये। इस कुत्ते को कोई मुंह भी नहीं लगाएगा तो ये मुंह लगाने के लिए तुल जाएगा। किसी भी हालत में गिर सकता है ये, और कितना गिर सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते हो। आगे देखना आपको पता चलेगा इसकी हरकतें कैसी हैं। होंठ देखे तूने अपने, एक बार आईने में देख तो सही तू अपने होंठ, तब तुझे पता चलेगा तू कितना स्मार्ट है और कितना शरीफ है। यार गर्लफ्रेंड के साथ बात करने का मजा ही कुछ और है, चाहे वो किसी और का ही क्यों ना हो। इसकी मुस्कुराहट देख रहे हो तुम लोग, घीन टाइप की आ रही है इसकी मुस्कुराहट को देख के। पता है भाई पहले मैं बहुत स्मार्ट था, बहुत स्मार्ट था, अब भी हूँ यार, कैलेंडर थोड़ी जो हर महीने बदलता जाऊंगा, अभी उतना ही स्मार्ट हूँ। छी 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 छी, कैसी बातें करता है ये छी। भाई भारत के इतिहास के अनुसार बड़ा भाई पिता के समान होता है और सच्चा दोस्त पुत्र के समान। अगर मैं तेरा मित्र होता तो सबसे पहले तेरे पापा को मारता, बहुत तेलता मैं उनको। आई समझे कहाँ से पैदा करा वो एंटिक पीस उन्होंने, इतनी मुश्किल से, इतनी मुश्किल और जात से पैदा करा तेरे को। भाई आदमी के पास इज्जत होनी चाहिए, पैसे तो सनी लियोनी के पास भी है। दिख रहा है हमको कितनी इज्जत है तेरी समाज में, सब दिख रहा है हमको, बताने की जरूरत नहीं है। आई समझ में, शकल देख तू अपनी सबसे पहले, बहुत मजे की शकल है तेरी, ऐसी शकल कभी नहीं देखी मैंने। हे भगवान भले मुझे सिंगल रखना, लेकिन जिससे मेरी शादी होगी उसकी भी सेटिंग ना होने देना कहीं। इसे किसने कह दिया करके तेरी शादी होगी है, अपने मन में ही ख्याली पलाव बना रहा है तू, इसका मतलब। यार साले का एटीट्यूड देख रहे हो तुम, कितना ओपी है यार इसका एटीट्यूड, इसका एटीट्यूड बड़ा पसंद है मेरे को, किस तरह से बोलता है ये। यार पता नहीं लोगों का प्यार अंधा कैसे होता है, मेरा तो लड़ाकू है। सबसे पहले तो मुझे तू अपना प्यार बता, तेरा प्यार कौन है, मुझे बहुत इच्छा हो रही है जानने की, बता हमको सबसे पहले तेरा प्यार कौन है, किसकी है वो किस्मत जिसको तू मिला है, इतना एंटिक पीस मिला है, इतने बरसों की मेहनत के बाद तू पैदा हुआ है तो किसी ना किसी को तो मिलेगा, कौन है वो खुश नसीब, मेरे को जानना है यार। सभी गालियाँ देने वाले भाइयों को बता देता हूँ कि गालियाँ देने से कुछ नहीं होता है। सही बोल रहा है, इसको गाली नहीं देनी चाहिए, इसकी कुटाई करनी चाहिए बढ़िया करके, चमड़े की बेल्टों से पेलना चाहिए इसको। मिल तो जाए तू एक बार हमको, हम तेरी कुटाई करेंगे। मेरी तारीफ किया करो, तारीफ करने से पाप धुलेगा, नहीं यकीन तो ट्राई करके देख लो, मेरी तारीफ करोगे पाप धुलेगा। तुम तो भगवान हो, तुम्हारी हम तारीफ करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, बहुत बढ़िया। कई
सा अच्छा लगता है ना मजाक आपसे मुंह से, बहुत अच्छा लगता है हमको तुम्हारे मुंह से मजाक सुनना। शकल देखो आप अपनी, कितनी बार बोले हम, एक बार तो देख लो अपनी शकल, पता चल जाएगा। यार कुछ लोग तो जेंट्स टॉयलेट में भी लिख के चले जाते हैं जानू आई लव यू। यार कम से कम ये तो सोचो यार, तुम्हारी जानू जेंट्स टॉयलेट में जाएगी क्या करने? इसका मतलब तू टॉयलेट में टॉयलेट करने नहीं जाता है, तू ये लव रिया पढ़ने जाता है, है ना? है ना, यही बात है ना। और अगर तुझे कोई दिक्कत है जेंट्स टॉयलेट में जाने में तो तू लेडीज में जा सकता है, तेरा मैचिंग हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, तू चले जा, यही बढ़िया है। भाई आजकल बहुत लड़कियां लोग बोलती है लड़कियां क्या लड़कों से कम है, अगर जो लड़कियां मानती है लड़कों से कम नहीं, वो दाढ़ी रख के दिखाओ तो मैं मानू तुम लड़कों से कम नहीं हो, रख के दिखाओ दाढ़ी। अब ये साला कैसी बातें करता है यार, देख रहे हो मेरी बहनों तुम लोग, देख रहे हो इसको, इसको कूट दो साले को पकड़ के, इसकी बातें ना बहुत लगती हैं हमारे दिल में, कैसी बातें करता है तू। अपनी तो शकल देखा कर एक बार आईने में, फिर जो बोलता है उसको अपने सामने बोला कर, तब तुझे विश्वास होगा तू क्या बोल रहा है। भाई आज मैं शराफ दे रहा हूँ, जो भी मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर नहीं करेगा वो सातों जन्म सिंगल ही मरेगा। बक साले बक, यहाँ से निकल ले यहाँ से तू साले, अपनी शकल देख तू पहले आईने में, फिर मुझसे बात करना। मैं क्यों कर रहा हूँ तेरे को रोस्ट, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तेरी कुछ कुछ बातों को सुन के मेरा मन बताऊँ क्या करता है। मैं रजनीगंधा खाता तो नहीं हूँ वैसे, लेकिन तेरे लिए मैं खाऊंगा, उसको चबाऊंगा और उसी रजनीगंधे को तेरे मुंह में थूक दूंगा साले, मुझे इतनी खुंदस आ रही है तेरी ये वीडियो देख के। सच्ची गर्लफ्रेंड वही होती है जो कॉलर पकड़ के बोले अभी तू अपने करियर पर ध्यान दे, सक्सेस मिलते हैं तू मुझे मेरे घर से उठा लेना। पहली बार वो सक्सेस नहीं होता, वो सक्सेस होता है साले नमूने, तेरे को बोलना भी नहीं आता इसका मतलब, अभी तक तू बच्चा है अभी और ऐसी बातें करता है, तमीज से बोला कर यार, लड़कियों के पीछे क्यों पड़ गया तू, हाथों के तेरा क्या बिगाड़ दिया उन लड़कियों ने बेचारियों ने, वो हमारी बहने हैं यार, कितने ब्रेकअप हो गए जिंदगी में जो तू इतना डिप्रेस हो गया लड़कियों के मामले में, उनको ऐसा बोल रहा है गलत गलत, बहुत पिटेगा तू किस दिन, बहुत पिटेगा पब्लिक प्लेस में तो खासकर, बहुत पिटेगा तू, तू बाहर तो आ एक बार, अपने पिंजरे से बाहर निकल, तू तेरे को ऐसा कूटा जाएगा ना। जो लड़की अपने लिए स्मार्ट और गुड लुकिंग बंदा ढूंढना चाहती है उसे मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सिंगल है, बिल्कुल सिंगल, हाँ एक एलईडी बल्ब जितना सिंगल है ये, कौन अपना लाइफ पार्टनर बनाएगा जब तू ऐसी बातें करता है रॉकी, देख तो समझा कर थोड़ी बातों को, ऐसे नहीं बोला जाता है यार। यार क्या बताऊँ, गर्लफ्रेंड होने का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि कोई यकीन नहीं करती है, कोई यकीन नहीं करती है इसकी बात का। दीदी मेरी प्यारी सिस्टर, मेरी प्यारी बहनों, तुम इसकी बात का यकीन कर ले करो, वरना हमको बहुत दुख होता है, प्लीज। मैं सिंगल था, सिंगल हूँ और सिंगल ही रहूंगा, है किसी लड़की में इतना हिम्मत तो मुझे पटा के दिखा दे। तू चूतिया है, चूतिया था और चूतिया ही रहेगा, ये बात तू जान ले, और किसी लड़की में इतना दम नहीं करके जो तुझे पटा ले। भाई 4 साल बाद मेरे स्कूल की फ्रेंड मिली और पूछी कैसे हो, मेरे मुंह से भी निकल गया अब भी कुवारा हूँ। साला कैसे फ्लर्ट मार रहा है यार, देख रहे हो तुम इसको, लेकिन तेरी फ्रेंड ने एक बात और जान ली, तू कुवारे के साथ साथ अभी भी वही चूतिया भी है। हम सिंगल लोग हैं भाई, हमारे लिए क्रश का मतलब भी कैंडी क्रश ही होता है। इतनी देर से तेरे को यही समझा रहा हूँ, तू ये गर्लफ्रेंड बन के चक्कर में मत पड़, तू कैंडी क्रश खेल बच्चे। यार कोई भारे की गर्लफ्रेंड बन जाओ, रोज शॉपिंग कराऊंगा। सबसे पहले तू अपना बैकग्राउंड देख साले, शॉपिंग कराने वाले तेरी औकात नहीं है जो तू शॉपिंग कराएगा, और कौन होगी वो खुशनसीब जो तेरे साथ आएगी शॉपिंग करने, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है बात। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करने वालों, भगवान तुम्हें आईफोन दिलाएंगे वो भी बहुत जल्दी। तेरे ये विचार आते कहाँ से हैं यार, दिल से आते हैं, फेफड़े से आते हैं, कहाँ से आते हैं तेरे विचार इतने अच्छे, हम तेरी वीडियो शेयर करेंगे तू हमें आईफोन गिफ्ट करेगा, साले इतना पापी है तू, तू अपने आप को नहीं देख सकता, अपनी सूरत नहीं देख सकता तो तू हमें आईफोन गिफ्ट करेगा, एक बार अपनी शकल देख ले तू सारी चीजें भूल जाएगा, देख तो ले तू रॉकी अपनी शकल एक बार, प्लीज मेरे लिए देख ले मेरे भाई। मुझे उम्मीद है कि भगवान खुश रखेंगे उस लड़की को जो मेरे लिए अभी तक सिंगल बैठी हुई है। किसकी किस्मत में होगा तू साले, उसकी किस्मत कितनी फूटी होगी ये सोच के मैं रोता हूँ, क्यों है तू ऐसा, क्यों करता है तू ऐसा चूतियापा। भाई कौन कहता है लड़के सोचते कम है, लड़कियां एक बार मुस्कुरा कर तो देखे, लड़के अपने शेरवानी का रंग से लेके बच्चे का नाम तक सोच लेते हैं। हकीकत बताऊं मैं तेरी, जो तेरे पीछे बैकग्राउंड में एक आवाज आ रही है कुत्ते की, वो है तू साले, आई समझ में तेरे, तू ऐसी बातें इतनी घिनौनी बातें क्यों कर रहा है यार, तू पागल हो गया, तेरी उम्र अभी खेलने कूदने की है और तू कह रहा है शेरवानी का कलर है, बच्चों के नाम,
क्या हो गया है तेरे को? इसको बहुत जल्दी है शादी करने की, इसकी शादी कराओ सबसे पहले, ठीक है? तू बच्चों के नाम सोच, शेरवानी पहन, हम तेरी शादी करवाते हैं, ठीक है? हम तेरी शादी जो है रेशमा से करवाएंगे, हमारे वहाँ की बहुत फेमस गर्ल है वो, ठीक है? हम तेरी शादी उससे करवाएंगे, तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी, बिल्कुल टेंशन मत ले। बहुत बढ़िया रॉकी, बहुत बढ़िया। वैसे एक बात बता दूँ, मेरे कुत्ते का नाम भी रॉकी है, तू वो नहीं है पर उससे अलग है थोड़ा सा, लेकिन है कुत्ता। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी हमारी ये छोटी सी वीडियो? और इस रॉकी से हमने कैसे मजे लिए आपने देखा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली बार हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें कुछ ज़्यादा लोग आएंगे तो मज़ा आएगा हमको भी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, हम अपना ध्यान रखते हैं। और रॉकी से बोलते हैं, बेटा तुम निकल लो यहाँ से, पतली गली पकड़ के निकल लो, या फिर प्यारे हो जाओ, जो तुम्हें करना है तुम वो करो, लेकिन ये सड़ी वीडियो मत बनाओ। तो मिलते हैं गाइज आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।